नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर दीपिका कौशल एक होम्योपैथिक डॉक्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक योगा टीचर जी हाँ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर भी इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशन की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे दिल की क्या आपको पता है ये जो दिल है ये बहुत ही फेमस माना गया है आज से ही नहीं सदियों से इसको रोमांस का स्परिचुअलिटी का और हमारी फीलिंग्स का सेंटर माना जाता है कितने ही रोमन और ग्रीक फिलो फॉसफर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और जो एरिस्टोटल हैं फेमस ग्रीक फिलासफ़र उन्होंने तो इसको सोर्स ऑफ लाइफ बोला है और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्ट किया है तो आज बात करेंगे हम हार्ट फ्रेंडली कुछ हैबिट्स की जिससे हम अपनी कार्डियक हेल्थ को अच्छा रख सकें और अगर आपको ऑलरेडी कार्डियक इश्यूज़ हैं तो आप ये सिंपल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं हार्ट फ्रेंडली मेथड्स को ताकि आपका जो uh, डियक हेल्थ है वो अच्छी रहे सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग की जब भी आप सुबह उठते हैं आपको जर्क्स के साथ नहीं उठना हमें जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए तो जर्क मतलब झटका देकर उठना तो एकदम से बेड पर से जब आप उठते हैं आपको झटका देने से अच्छा है आप बेड साइड थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए आपने देखा होगा कि बहुत कॉमन है जब हम सुबह उठते हैं बहुत लोग अंगड़ाई लेते हैं ऐसे हाथ ऊपर करके अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है तो जब भी आप सुबह उठे एक अच्छी सी बॉडी को खींच कर एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए और अपनी स्मॉल जॉइंट्स जैसे हाथ के जॉइंट्स हैं या पैरों के जॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा रोटेशन दीजिए थोड़ा रोटेटरी मूवमेंट्स करने के बाद ही आप बेड से उठिए उसके बाद आपको एक वॉर्म जो कप ऑफ वाटर है वो जरूर लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है इसके एक बेनिफिट नहीं इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी बॉल मूवमेंट्स अच्छी हो जाती हैं अगर आपको पर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपका एसिड भी डिजोल्व कर देगा और इससे आपकी किडनीज के फंक्शन भी डेफिनेटली बेटर होते हैं तो उठ कर वॉर्म वाटर पीने की हैबिट जो है वो बहुत अच्छी हैबिट है इसके बाद चलेंगे वॉक के लिए ना वॉकिंग जो है ब्रिस्क वॉकिंग को हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बोला गया है आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं है आपको टफ योगा पोस्चर्स अगर आपसे नहीं होते तो अगर आप ये सिंपल सिम्पल मैथड्स अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छी कार्डियक हेल्थ मिल सकती है तो जब भी आप वॉकिंग पर जाते हैं आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका वॉकिंग रूटीन है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए वो इंजॉयफुल होना चाहिए जब आप वॉक के लिए जाएँ आप किसी स्ट्रेस में ना हो और आपको रेगुलर आपका जो काउंट है कि आप मंडे टू फ्राइडे जा रहे हैं हफ्ते में चार दिन जा रहे हैं पाँच दिन जा रहे हैं या एक दिन छोड़ कर जा रहे हैं आप वो डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अगर हाई बीपी के पेशेंट हैं ऑलरेडी स्टंट वगैरह डला हुआ है कार्डियक इश्यूज़ हैं आपका साँस फूलना नहीं चाहिए तो आपको वॉकिंग अपने पेस से करनी है जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल है आपको वैसे ही वॉक करना है अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लाना अगर आपका सांस फूल जाता है आप एक जगह पर बैठ सकते हैं जब आप नॉर्मल हो जाए फिर आप दोबारा से चल सकते हैं लेकिन आपको कुछ भी ओवरडू नहीं करना वॉकिंग के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए आना है और बीच में नहाना भी है तो कार्डियक हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए आपको चीज़ें जल्दबाजी में नहीं करनी जब आप नहाने के लिए भी जाएं तब भी रिलैक्स मूड मूड लेकर जाएं और सबसे इंपॉर्टेंट है अगर पॉसिबल है जब आप वॉक के लिए जाते हैं वापस आने के बाद एटलीस्ट टेन मिनट्स ऑफ़ शवासन करना बहुत बहुत अच्छा है इससे क्या होता है पहली चीज़ तो आपकी थकावट उतर जाती है दूसरा आपका पैरासम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है तो जैसे ही आप वॉक से आते हैं आप दस मिनट बेड पर ही लेट जाइए बहुत लोगों को नीचे ज़मीन पर लेटने से प्रॉब्लम होती है वो लोग योगा मैट्स भी नहीं यूज़ कर सकते नी की प्रॉब्लम होती है बैक पेन इश्यूज़ होते हैं आप बेड पर सीधा लेट जाइए और अपनी इंटायर बॉडी को आपने लूज छोड़ना है हथेलियाँ ऊपर और पैर के जो पैरों की जो उंगलियाँ हैं उनको भी ऐसे फ्लैट जैसा बना लीजिए और आंखें बंद करके ट्राई कीजिए डीप ब्रीदिंग कर करनी चाहिए आपको अगर पॉसिबल है और आपने पूरा रिलैक्स होना है दस मिनट वॉकिंग से आकर कंप्लीटली बॉडी को रिलैक्स कीजिए और इसके बाद नहाने जाइए और ब्रेकफास्ट में भी आपको हार्ट फ्रेंडली खाना खाना है फ्लैक्सीड्स यूज़ कीजिए अच्छी फैट वाले जो हमारे नट्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं दलिया बनाइए परांठा जो भी आपका डेली रूटीन है जैसे भी आप खाते हैं लेकिन आपको नट्स और सीड्स उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा इसके बाद क्या आता है कि जब भी आप मॉर्निंग में अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं तो अवॉइड कीजिए कि कोई हरी वरी या एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस आपके ऊपर ना हो बहुत से लोग सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे ही हम पेपर खोलते हैं तो किसी ट्रेन एक्सीडेंट का कार एक्सीडेंट का या कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो हमें नेगेटिव एनर्जी हम पे उनका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो इसीलिए ये सब जो काम है आप जहाँ से आपको लगता है आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है ये सब काम आप मिड मॉर्निंग खाना वाना खा के जब आपका एलेवन एलेवन थर्टी का टाइम है उस टाइम के लिए आप ये सब रख सकते हैं अब बात करेंगे टैपिंग की जैसे कि हमने माइग्रेन में टैपिंग की बात की हेड में टैपिंग की बात की कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है वैसे ही हार्ट हेल्थ में हमें क्या करना है कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि एक तो ये एरिया है जहाँ के हमारा एल्बो ज्वाइंट का एल्बो uh, पॉइंट का ये जो पॉइंट है ये ऐसे देखिए आप अपनी फिंगर्स रखिए ये जो पिट जैसा स्ट्रक्चर है और दूसरा पॉइंट है हमारी एक्जिला अंडर आर्म तो हमें करना क्या है सबसे पहले आपको ये कप शेप में अपने हाथ लेके आने हैं और इनको ऐसा शेप में ला के हम राइट साइड से शुरू करेंगे ये लेफ़्ट साइड का कप मैंने बनाया है राइट आर्म को रखिए और ट्वेंटी टाइम्स टैप कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ऐसे ही ट्वेंटी टाइम्स आप हाथ ऊपर रखेंगे और ट्वेंटी टाइम्स यहाँ टैप करेंगे काउंट कीजिए ट्वेंटी टाइम्स ये जो टैपिंग का प्रोसेस आपने ऐसे करना है ऐसे ही लेफ्ट साइड में राइट right साइड में कप बनाइए पहले यहाँ ट्वेंटी टाइम्स करेंगे फिर ये एक्जिला हमारी आमपेट पर ट्वेंटी टाइम्स करेंगे इससे क्या होता है ये हमारा लिम्फैटिक ड्रेनेज का एरिया है तो ये जो ब्लड फ्लो है चेस्ट के लिए या हमारे हार्ट के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये आप दिन में चार पाँच बारी कर सकते हैं और एक और बहुत अच्छी चीज़ है जब भी आप सुबह उठे सुबह नहीं या दिन में कभी भी फ्री हैं या टीवी देख रहे हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाके फिर क्लैप कीजिए आपने सुना होगा कि क्लैपिंग बहुत अच्छी है जब भी हम भजन में जाते हैं कीर्तन में जाते हैं तो कितने लोग राम राम 101 बार भी ये करने का ट्रेंड भी है कितने बार ऐसा क्लैप भी करते हैं और साथ में मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो आपको ये क्लैपिंग ऐसे तो करना बेनिफिट इसका बेनिफिशियल है हमें मालूम है इट्स वेरी गुड लेकिन आपको दोनों हाथ ऊपर कर भी काफी बार क्लैप करना है जब भी आप ये वाली टैपिंग करें तो ट्वेंटी टाइम्स क्लैप ऊपर हाथ कर कर भी करें तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल मेथड्स हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और दे आर रियली हार्ट फ्रेंडली और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे मेथड्स हैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फिर मिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते